ये आकाशवाणी है द्वीप। आज प्रस्तुत है प्रख्यात नाटककार मुद्रा राक्षस का लिखा ये नाटक। जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे इनके चक्कर में मत पड़ो। हाँ ये बच्चा। अरे तुम उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, जरा इधर आओ। डोंट टच। अरे रमेश ये क्या हुआ? ये लड़की इस तरह विफर रही है। साफ 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 यू कम। हाँ रिचर्ड आ गया हूँ। बहुत दिन बाद। हाँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ। ऑल गुड? हाँ सब ठीक है। तुम कैसे हो? ठीक हो ना? यस फ्रेंड। हाँ मेरे दोस्त हैं, कलकत्ते से आए हैं। फ्रॉम कलकत्ता? इतना हैरान होने की क्या बात है रमेश, इसमें क्या कलकत्ता से यहाँ कोई नहीं आता? सुमन अब घर चलो, काफी दूर चलना है अभी। अच्छा साहब, टुडे आवर फेस्टिवल नाच गाना, यू फ्रेंड बोथ कम। अच्छा अच्छा, किस समय है? आफ्टरनून, शाम का टाइम, मार्केट प्लेस। श्योर कम, जरूर आना साहब। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। रमेश वो देखा क्या? बाईं ओर नारियल के पेड़ के नीचे देखो वो। अरे उंगली मत दिखाओ। देखा तुमने? सुबह जो लड़की देखी थी ना वही कब से घूर घूर कर मेरी ओर देखे जा रही है। बॉबी है। बॉबी? हाँ उसका नाम है। पर वो मेरी ओर इस तरह क्यों देखे जा रही है? अरे तुमने तो चिंता में डाल दिया, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं आ गए? बेकार की बातें रहने दो रमेश, इसका रहस्य क्या है मुझे वह बताओ। सुबह की वो घटना और फिर जब भी देखता हूँ मेरी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही होती है, उसकी नजर मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे चिंता मत करो, तुम्हें भस्म नहीं कर सकती। अच्छा उधर चलो। हाँ चलो। रमेश वो तो हमारी ओर आ रही है। अरे वाकई? तुम्हारा क्या ख्याल है क्यों आ रही है आखिर? यहाँ के दो चार जनों ने तुम्हारे विषय में मुझसे पूछा तो था, पर क्या क्या कह रहे थे? यही बस, कौन से देश में रहते हो, कहाँ से आए हो, और हाँ कलकत्ते का नाम सुनकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। पर तुम्हारे साथ तो ये बोलो रुक क्यों गए? ओ समझा। क्या? तुम्हारी धोती और कमीज। क्या मतलब? तुमसे ज्यादा तुम्हारी धोती और कमीज यानी पोशाक पर ही नजर पड़ी है उन सब की। पर क्यों? क्या धोती और कमीज पहनकर इस द्वीप पर कोई आता ही नहीं? क्यों नहीं आता? धोती और कमीज के साथ उनका बहुत अच्छा परिचय हो चुका है। धोती और कमीज को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस लड़की ने सोचा होगा रमेश, शायद। रमेश उधर देखो, उस लड़की की दोनों आंखें मानो मुझे छुरी की तरह भेद रही है। ओफो, अगर तुम्हें बेचैनी हो रही है तो चलो जल्दी से घर। चलो चलो उधर से नहीं इधर चलो। सर You going? हाँ रिचर्ड, मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। पर तुम अपना नाच गाना छोड़कर क्यों चले आए? अरे तुम जाओ, हम लोग भी अब चलेंगे। ओके। इस जंगल का तो अंत ही नहीं है, खाली नारियल ही नारियल है। ओह, कितनी जबरदस्त निर्जनता है यहाँ। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ सोचकर शरीर कांप उठता है। कौन? कौन? उधर कौन है? बॉबी। ये बॉबी क्यों इस तरह मेरा पीछा कर रही है? नहीं अब मैं भागूंगा नहीं। नमस्ते। Why are you here? किस मतलब से आए हो इस द्वीप पर? मैं तुम्हारे ये जगह देखने आया हूँ। यह देखने का क्या चीज है? मुझे देश विदेश घूमना अच्छा लगता है। क्या तुम लोग नहीं चाहते यहाँ बाहर से यात्री लोग आए? No, I do not want. I hate. Your name? तुम्हारा नाम? नाम मेरा
सोमन। व्हाट? सोमन, सोमन राय। पर तुम इस तरह क्यों देख रही हो? तुम दत्ता, मिस्टर दत्ता को जानता है? दत्ता साहब? हाँ हाँ, वो ही। तुम जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। लायर, झूठा है तुम। सच सच, मैं दत्ता को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। कलकत्ता नहीं रहता? रहता हूँ। तब? कलकत्ता बहुत बड़ी जगह है, जाने कितने लोग रहते हैं वहाँ, कितने कितने दत्ता साहब हैं। भला तुम्हारे दत्ता साहब को कैसे पहचान सकता हूँ? कितना दिन यहाँ रहेगा तुम? यहाँ कल ही चला जाऊंगा। श्योर? हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का। अगर नहीं गया तुम्हारे लिए खतरा होगा। यू विल बी इन डेंजर। डेंजर? क्या बात है सुमन, सांस फुलाकर इतनी तेजी से क्यों चले आ रहे हो? अरे क्या शेर ने पीछा किया था? अरे भाई शेर ने नहीं, वो बॉबी। बॉबी? बॉबी, बॉबी हाँ। सचमुच सैर करते करते जंगल की ओर चला गया, वहां अचानक वो मिल गई। रमेश, किसी लड़की के चेहरे पर इतनी घृणा, इतना गुस्सा, इतना विद्रूप मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उसे नमस्कार किया पर उसने उत्तर ही नहीं दिया, बस एक के बाद एक सवाल करती गई। पूछ रही थी कि मैं दत्त साहब को जानता हूं कि नहीं। ये दत्त साहब कौन है रमेश? कल तुम पूछ रहे थे ना कि धोती और कमीज पहनकर इस द्वीप पर लोग आते हैं या नहीं। हाँ हाँ, दत्त साहब आए थे, ज्यादातर वो धोती ही पहना करते थे। ओ, बिल्कुल तुम्हारी तरह वो धोती का एक कोना अपनी कमीज की जेब में खूंस कर घुमा करते थे। शायद इसी से उस लड़की ने कुछ अनुमान लगाया होगा। क्यों, क्या सोचा होगा? कुछ कह नहीं सकता, पर इतना जानता हूं कि इस द्वीप का हर एक व्यक्ति ये अच्छी तरह से जानता है कि वो लड़की अभी तक दत्त साहब की आशा में बैठी है। तपस्विनी की तरह उनकी राह देख रही है। कहानी तो बहुत दिलचस्प लगती है। इस तरह की विश्वास और विश्वासघात की कहानी बहुत कम सुनने में आती है। ये बॉबी कौन है? निकोबार के एक सरदार की लड़की है, उसका असली नाम नहीं जानता पर मिशनरी द्वारा रखा नाम बॉबी ही सब पुकारते हैं। और दत्त साहब? पोर्ट ब्लेयर के एक नामी व्यवसायी के अधीन काम करता था, काम के सिलसिले में अक्सर निकोबार आया करता था। उस आदमी में साहब साहस भी था और दिमाग भी, घर के बंधनों से मुक्त था, जमाने के अनुकूल अपना जीवन भी बिताता था। क्या मतलब? मतलब कि जिन कामों को हम बुरा कहते हैं और करने से झिझकते हैं उन्हें वो खुलेआम किया करता था और खूब शान से सबके सामने अपनी करतूतों की व्याख्या किया करता था। ये कहते हैं? हाँ अच्छा। फिर और क्या कहते हैं? कहते हैं पोर्ट ब्लेयर में भी आपकी गर्ल्स थी। हाँ ठीक ही तो कहते हैं। अच्छा? हाँ, तुम मेरे जीवन में पहली लड़की नहीं हो बाबी, पर तुम्हारी तरह की लड़की मैंने कहीं और नहीं देखी। But... और जानती हो, तुमने मुझे बिल्कुल मतवाला बना दिया है बॉबी। कई कई घड़े शराब के पीकर भी इंसान इतना मदहोश नहीं हो सकता। हाँ बॉबी, बहारें बहुत देखी हैं पर इस तरह की यौवन की बहार मैंने पहले कभी नहीं देखी। शू, लव मी सा। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। श्योर? बहुत प्यार करता हूँ। श्योर? श्योर। साहब, हमारे बाबा कहता है तुम लोग सच्चा दिल से प्यार नहीं करता, खाली यहाँ दिल बहलाने आता है। पर मैं केवल तुम्हारे आकर्षण से ही पोर्ट ब्लेयर से भाग भाग के निकोबार आता हूँ भाभी। साहब, मेरा माँ तो मर गया है, मेरा माँ बहुत ब्यूटीफुल था साहब, वो बीमार हो गया। हाँ मैं जानता हूँ भाभी, मैं जानता हूँ। उसी के बाद ही तो तुम्हारे बाबा के मन में हम लोगों के लिए विद्रोह पैदा हो गया था। वो हम जैसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, हम दोनों का मिलना जुलना भी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं था। बाबा ने रिचर्ड के साथ मेरा शादी तय किया था। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हारी शादी जबरदस्ती रिचर्ड के साथ कर दी होती। नहीं नहीं, हम रिचर्ड के साथ शादी नहीं कर सकता, हम आपको लव करता है साहब। और
मैं भी तो तुम्हें चाहता हूँ बाबी। सच? तब हमसे शादी कर लो साहब। शादी? मतलब ब्याह? हाँ करूंगा करूंगा, यही जल्दी ही। नॉट लेट, देरी से नहीं बोलेगा ना पगली? देर करूंगा ताकि रिचर्ड तुम्हें मुझसे छीन के ले जाए। नहीं, कोई नहीं छीन सकता साहब, कोई नहीं। इतनी शक्ति है तुम में? है, और तुम में भी है। लेकिन साहब केयरफुल रहना। क्यों? जब यहाँ आओ इधर उधर अच्छी तरह देख कर आना। लेकिन क्यों? दुश्मन है, एनिमी है। एनिमी है साहब। कहाँ? ये नया वाला सरदार अच्छा नहीं साहब, रिचर्ड को साथ मिला लिया है, उसे खराब खराब बातें सिखाता है। तुम कैसे जानती हो? हम जानता है, केयरफुल साहब, वेरी केयरफुल। हम खूब हैप्पी साहब, खूब हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ बाबी, अब काम का बहाना करके पोर्ट ब्लेयर से निकोबार भाग भाग कर नहीं आना पड़ेगा। साहब अब तुम पोर्ट ब्लेयर कभी नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, मालिक को समझा कर राजी कर लिया है बाबी। व्यापार देखने के लिए निकोबार में परमानेंट आदमी की जरूरत है, पोर्ट ब्लेयर से बार बार आकर काम नहीं देखा जाता, सो मालिक ने मेरी पक्की नौकरी कर दी है यहाँ। गॉड ब्लेस हिम। लेकिन साहब नया वाला सरदार कल इधर आया था। क्यों? हमको डराता था। क्यों? क्या कहता था? कहता था अगर तुम फिर यहाँ आया तो वो तुम्हारी जान लेगा, दे विल किल यू। ओह समझा, ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ भाभी। सच? यू नॉटी। साहब क्या हुआ? वो लोग इधर आ गया। ठहरो, खबरा नहीं, देखता हूँ। कहो सरदार कैसे हो? अरे तुम और रिचर्ड क्या कहीं लकड़ी काटने जा रहे हो कुल्हाड़ियां लेकर? हम तुम्हारे पास आए हैं। मेरे पास? हाँ, हमने सुना तुम यहाँ आए हो। हाँ बस थोड़ी ही देर पहले आया। When going Port Blair? Port Blair कब जा रहे हो? अब Port Blair नहीं जाऊंगा, बस यहीं घर बसाऊंगा। तुम यहाँ नहीं रहोगे? यहाँ रहूंगा, इसीलिए तो Port Blair से सारा हिसाब किताब चुका कर आया हूँ। You go back to Port Blair. Richard, जो कहना है आस्ते से कहो। साहब तुम Port Blair चले जाओ। कहा ना, Port Blair में मेरा कोई काम नहीं है। Then you go back to Calcutta. मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग मुझे यहाँ से जबरदस्ती क्यों निकालना चाहते हो। रिचर्ड बॉबी के साथ शादी करेगा। नहीं, हम रिचर्ड से शादी नहीं करेगा। तुम्हारी शादी तो रिचर्ड के साथ ही तय हुई थी, फिर? नहीं, रिचर्ड के साथ तुम्हें शादी करनी ही होगी। नहीं, जब वो रिचर्ड के साथ शादी नहीं करना चाहती तो क्यों जोर लगा रहे हो? तुम चले जाओगे तो ये कर लेगी। नहीं नहीं, कभी नहीं। जरूर। सरदार तुम लोग व्यर्थ ही इतना हंगामा कर रहे हो, बॉबी को तुम लोग कभी राजी नहीं कर सकते। परदेसी बाबू के साथ हम उसे प्यार नहीं करने देंगे। हम तुम्हारी सारी बातें जानते हैं। सरदार रिचर्ड, मैंने तुम दोनों की बक बक बहुत देर तक सुन ली है, अब और नहीं सुनना चाहता। यू गो बैक, नहीं तो तुम हट, तुम हट जाओ बॉबी, हट जाओ। रिचर्ड कुल्हाड़ी फेंक दो। फेंको कुल्हाड़ी, मेरे हाथ में देखा है ये क्या है? बस केवल दो गोलियों से मैं तुम दोनों को खत्म कर सकता हूं। जाओ जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। साहब फिर तुम्हें बॉबी के साथ शादी करनी होगी। मैं तैयार हूं। टुमारो? राजी हूं। ये लो अपनी दावत के पैसे, और लगेंगे तो और ले लेना, जितनी शराब पी सकते हो और मांस खा सकते हो ले आना। साहब हमको बहुत डर लग रहा है। अरे कैसा डर बाबी? तुम देर तो नहीं करेगा? अरे नहीं, ठीक एक महीने के बाद आ जाऊंगा। महीने भर की तो बात है, उतने दिन तुम अपने बेटे को और बड़ा कर लेना, लौट के मैं सुनना चाहता हूँ मुझे पापा कह के पुकारे वो, समझी? एक महीना बाहर रहकर तुम्हारी याद में काटूंगा बाबी। सुनो, तीन महीने का बच्चा
पापा कैसे कह सकता है? कह क्यों नहीं सकता, तुम सिखा दोगी तो जरूर कहेगा। सा, मुझे साथ ले चलो ना। अगर तुम्हें साथ ले जा सकता तो जरूर ले जाता बॉबी। काम से न जाने कितनी जगह घूमना पड़ेगा, यहाँ से मद्रास, मद्रास से कटक, फिर कटक से कलकत्ता, कलकत्ता से स्ट्रेट निकोबार ना। हाँ रानी, हाँ स्ट्रेट निकोबार। पर फिर वो लौट कर नहीं आया, बिल्कुल लापता हो गया। इन 3 वर्षों में कोई खबर तक नहीं भेजी उसने, और ये सब जानते हैं कि खबर मिलेगी भी नहीं। पर एक बात है, निकोबार निवासी ये जानते हैं कि सरकारी हुक्म से दत्त साहब लड़ाई पर गए। लड़ाई? कौन सी लड़ाई, किसके साथ? ये सब कुछ वो नहीं जानते, पर लड़ाई व लड़ाई की विभीषिका से वो अच्छी तरह से परिचित हैं। जब जापानियों ने इस द्वीप पर हमला किया था तब सब कुछ देखा है इन्होंने। उसके बाद ये लड़की धीरे धीरे बिल्कुल बदल गई। 3 वर्ष के लड़के को लेकर आज तक वो उसका इंतज़ार कर रही है। उसका प्रेम, उसकी पवित्रता एक आदर्श बन गई है इस द्वीप पर। पर क्या इनके जीवन में से एक पुरुष अगर हट जाए तो दूसरा नहीं आ सकता? आ सकता है, पर बॉबी के पहले चाहने वाले भी उसकी अवस्था को देखकर मन ही मन यही प्रार्थना करते हैं कि उसका पति लौट आए। उसके ऊपर कोई कलंक की छाया तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर यहाँ की बूढ़ी औरतें उसे ताने मारने लगती हैं। सुनो, बॉबी के घर में दत्त साहब की एक तस्वीर है, बस यही बॉबी के प्राण हैं। कहीं भी जाए वो उसे साथ ले जाती है, रोज उसकी आरती उतारती है, फूल चढ़ाती है। साहब? कौन? रिचर्ड, आओ अंदर आ जाओ। साहब, साहब, बॉबी इनको बुलाता है। क्यों? अर्जेंटली। बट व्हाई? नॉट नोन सर। सोमन, बॉबी तुम्हें बुला रही है, कहती है बहुत जरूरी काम है। लेकिन मुझे? हाँ हाँ, अभी बुला रही है। ओ, लेकिन अरे चले जाओ भाई, शायद तुम्हारे ही हाथों से कोई समस्या का समाधान हो। रमेश, डरो नहीं, वो लोग मेहमान नवाज हैं। साहब, चलता हूँ। बॉबी कहाँ है? डेरे में। चलो। कम इन साहब। Going tomorrow? हाँ, जा रहा हूँ। Sit down साहब। हमको हमको बहुत अफसोस है, तुमको बहुत बुरा भला कहा। Do not mind साहब। नहीं नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, मुझे तुमने बुलाया है। You know दत्त साहब? मैं दत्त साहब को नहीं, मैं नहीं जानता। कलकत्ता इतनी बड़ी जगह है, कितने लोग रहते हैं, पर हाँ उनका नाम जरूर सुना है, काफी नामी पुरुष हैं। सुना है देश के लिए लड़ाई लड़ने का। You lying! झूठ कह रहे हो। वो लड़ाई पर नहीं गया, मैंने सबको कहानी बनाकर कहा था कि वो लड़ाई पर गया है। वो मेरा सब कुछ लूट कर लाइक थीफ यहाँ से भाग गया है, बेईमानी करके गया है। I hate him. झूठ बोलता। हाँ, मैंने झूठ कहा था। दत्त साहब को मैंने कभी नहीं देखा, उनका नाम भी नहीं सुना कभी, बस निकोबार पर आकर उनकी बातें सुनी है महज, और तुम्हारे बारे में भी सुना। तुम्हें सांत्वना देने के लिए ही झूठ बोला था, और कोई खास कारण नहीं है। हमारा स्टोरी तुमको कौन बताया? मेरे दोस्त रमेश ने। तुम्हारी तरफ के लोग का नीचता और बेईमानी का बात सुनकर तुम्हें कैसा लगा साहब? मुझे शर्म आई, दुख भी हुआ, पर तुम्हें कैसे समझाऊं कि हमारे यहाँ के सारे व्यक्ति इस तरह के नहीं हैं बाबी। तुम सब कहेगा, क्या हम तुम पर बिलीव कर सकता है? अगर तुम भरोसा करना भी चाहो तो कर सकोगी क्या साहब?
अच्छा बुरा तो सब जगह ही होता है। तुम्हारे उधर का आदमी ने खराब काम किया, पर इफ यू विश तुम एक अच्छा काम कर सकता है, करेगा साहब, विल यू? कहो। तुम कलकत्ते का आदमी है, तुम्हारा बात यहाँ सब सच मान जाएगा। कलकत्ता से तुम हमको एक 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 लेटर लिखना कि दत्त साहब लड़ाई में मर गया। चखा, दत्त साहब की इस फोटो को तुम्ही ने दीवार पर टांगा है ना? रोज तुम्ही उनकी पूजा करती हो ना और माला भी चढ़ाती हो। बट अहिचे मुकुटा है। लेकिन फिर ये सब नाटक क्यों करती हो? उसकी फोटो पर रोज फूल चढ़ाना, रोजाना फूल। बाबू साहब सच सुनेगा, हम इधर इस निकोबार में प्यार का नमूना रखना चाहता था, अपना साथी लोग को एक लेसन देना चाहता था साहब। माय गॉड, अब हम क्या करेगा? लेकिन बात तो बताओ बॉबी। साहब, इस आइलैंड का सरदार मेरा फादर था, उसका फादर भी इधर का सरदार था, वो इधर का अच्छा बुरा सब समझता था। मेरा फादर हमको होशियार किया था, लेकिन हम उसका बात नहीं सुना। बाबा बोलता था इधर में परदेसी लोग अपना तबीयत खुश करने का वास्ते आता है, अपना दिल बहलाता है, फिर चला जाता है, और जाने के बाद गंदा गंदा डिजीज बीमारी हमारे पास छोड़ जाता है। साहब, हमारा माँ वही बीमारी से मर गया, हमारा जैसा कितना लड़की इधर बर्बाद हो गया। मौज मारने वाला परदेसी मौज मार के चला गया तो लड़की लोग नया आदमी ढूंढता, तब गंदा बीमारी सड़ता था, मरता था। ओ गॉड, दैट हेटफुल डिजीज। साहब, हम इस बीमारी को यहाँ से हटाना चाहते। कैसे? लेकिन प्यार, लव, लव करना सिखाकर। हम समझता था कि हमारा प्यार लड़की लोग देखेगा तो जानेगा कि लाइफ में मौज कर लेना सब कुछ नहीं है। हमको देखकर इनका आत्मा जागेगा और मौज का नशा छूटेगा। हम सिखाएगा, हमारा बेटा भी सिखाएगा, उसका बेटा भी सिखाएगा, और वन डे दिस आइलैंड, ये द्वीप गंदा बीमारी से नजात पाएगा। पाएगा ना? बोलो साहब, पाएगा? हाँ बाबी, हाँ जरूर नजात पाएगा। साहब, इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है। दत्त साहब तो मेरा सब कुछ लूट लिया, लेकिन साहब आप एक काम करेगा, हम लोगों को बताना नहीं चाहता कि दत्त साहब हमको धोखा दिया। लड़की लोग फिर समझने लगेगा लव प्यार सब धोखा है। तुम हमारी मदद करेगा ना साहब? साहब, तुम कलकत्ता जाकर चिट्ठी जरूर लिखेगा दत्त साहब लड़ाई पर गया था और लड़ाई में दत्त साहब मारा गया। द्वीप, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। लेखक और निर्देशक थे प्रख्यात नाटककार मुद्रा राक्षस। ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राम गोपाल बजाज, मीना विलियम्स, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, बी एल टंडन, अरुण माथुर और अशोक सरीन। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।